सकते हैं, डिक्रीज द डोज ऑफ मेडिसन इन टेपर डाउन फैशन, इन टेपर डाउन फैशन, इन टेपर डाउन फैशन, कि आप लोग क्या कर सकते हो, धीरे धीरे इन डोज को क्या करते चले जाते हो, कम करते चले जाते हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेडिसिन कंप्लीटली क्या हो जाती हैं बच्चों, बंद कर देती हैं। अगर वहां पर अनप्लैंड प्रेगनेंसी और ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तब तो टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी को। अगर प्लैंड प्रेगनेंसी की है, कंसीव किया है, और प्रेगनेंसी कितने साल से ज्यादा है, 3 या 3 साल से ज्यादा है, लेकिन अभी तक सॉरी एपिलेप्सी फ्री 3 या 3 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक फीमेल को कोई भी सीजर्स की प्रॉब्लम अभी तक फील नहीं हुई है, और अभी क्या है मदर अभी भी मेडिसिन पे है, तो आप लोग उसको टेपर डाउन डाउज में, टेपर डाउन मेडिसिन या टेपर डाउन में क्या कर सकते हो, फैशन में मेडिसिन को क्या कर सकते हो, वहां पर कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, अगर मदर की एज, ध्यान से सुनना, अगर मदर की एज 30 या 35 साल से ज्यादा है तब आप लोगों को मदर को किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट ऑन लैमोट्रिजिन। लैमोट्रिजिन को क्या करोगे आप लोग, शिफ्ट करोगे, शिफ्ट द मदर ऑन लैमोट्रिजिन। कब करना है लैमोट्रिजिन पे शिफ्ट, इफ एज ऑफ मदर इज मोर देन 30 to 35 years। अगर मदर की एज कितने से ज्यादा है, 30 से 35 साल की ज्यादा है। और दूसरा क्या आता है बच्चों, क्यों देते हैं हम, क्योंकि लैमोट्रिजिन जो है वो इसलिए दिया जाता है, क्या हो सकता है, लेस रिस्क ऑफ एनटीडी, लेस रिस्क ऑफ एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें स्पाइना बाइफिडा के बारे में मैंने बोला था, वो क्या हो सकता है, बिल्कुल कम वहां पर रह सकता है, नाम मात्र वहां पर क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, एडवाइस द मदर टू टेक फॉलिक एसिड, क्या लेना है मदर को, फॉलिक एसिड लेना है फॉर 3 months बिफोर कंसीविंग द प्रेगनेंसी, कंसीविंग द प्रेगनेंसी। और फोलिक एसिड के साथ में हम लोग और क्या दे सकते हैं पेशेंट को, सॉरी मदर को, जिंक हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो क्या करता है न्यूरल ट्यूब क्लोजर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से, प्रायोरिटी देना फोलिक एसिड को, और इसके साथ में और क्या देते हैं हम लोग मदर को, जिंक भी वहां पर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, मदर के कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिब्राइल सीजर्स इन चिल्ड्रन में, फिब्राइल सीजर्स इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में फीवर की वजह से सीजर्स आ जाते हैं तब आप लोग क्या करते हो, फिब्राइल सबको दिख रहा है, सीजर्स इन प्रेगनेंसी, सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी माफ करना, सॉरी फेब्राइल सीजर्स इन चिल्ड्रन। तो वहां पर हम लोग दो तरीके से हैंडल करते हैं पेशेंट को, एक तो हमें पेशेंट को कंप्लीटली क्या करना है, मैनेज करना है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, प्रोफाइल एक्सिस के लिए वहां पर क्या करना है, इसको यूज करना हो किसी भी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन को। तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है हमारी, डाइजीपाम आती है, क्या आती है बच्चों, डाइजीपाम हमारे पास आती है, हम लोग क्या देते हैं, डाइजीपाम देते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था डाइजीपाम जो क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसा होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है डाइजीपाम, ठीक है, लेकिन एंटीएंजाइटिक में इसको यूज नहीं करते। ठीक है, डाइजीपाम ये क्या रहती है बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फेब्राइल सीजर। अगर बच्चों में पार्शियल सीजर कहीं पर देखने को मिलता हो, देखो ध्यान से सुनना, अगर बच्चों में पार्शियल सीजर कहीं पर देखने को मिले तो वहां पर हम लोग क्या दे देते हैं बच्चों, कार्बामाजेपाइन, ये आप लोग याद रखना। अगर प्रोफाइल एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर क्या दिया जाता है बच्चों, फिनोबार्बिटोन, क्या दिया जाएगा वहां पर,
फिनोबारबिटोन। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो डाइजापाम है वो तो क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन्स होता है, कैटेगरी की मेडिसिन होती है, और जो फिनोबारबिटोन है ये बारब्यूट्यूरेट कैटेगरी की डोज होती है, बारब्यूट्यूरेट कैटेगरी की। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं तो बनाते हैं फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, और ये कैसे बनाते हैं जो हमारे पास बारब्यूट्यूरेट्स होते हैं, स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व वहां पर ये बनाता है। फिनोबारबिटोन क्या होता है, बारब्यूट्यूरेट, ध्यान देना है सेकंड प्रायोरिटी इन प्रेगनेंसी, सेकंड प्रायोरिटी इन प्रेगनेंसी किस केस में, एपिलेप्सी के केस में बच्चों, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने किसको दी थी, लैमोट्रिजिन को हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। अगर आप लोगों से लैमोट्रिजिन भी प्रेजेंट ना हो, फिनोबारबिटोन भी प्रेजेंट ना हो, तो थर्ड कैटेगरी पे आप लोग चले जा सकते हो। ये आप लोगों की थर्ड प्रायोरिटी क्या आती है, कार्बामाजीपाइन, थर्ड प्रायोरिटी इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ये आप लोग याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन डियर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद में रेस्पिरेटरी मेडिसिन। थैंक यू।